25% लूजिंग चांस भी है सर, ठीक है। तो उन 25% लूजिंग चांस के लिए ये मेथड जो है पिरामिडिंग के आपको बचा लेता है। अगर अपने दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, रिस्क को समझने की बात कर रहे थे, कैसे मैनेज किया जाए उसके बात कर रहे थे, आज आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना। अगर आपके पास बड़े से बड़ा सिस्टम हो, पावरफुल से पावरफुल सिस्टम हो, उसमें भी अगर आपने रिस्क को नहीं समझोगे और रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा, इतिहास गवाह है। अब इतिहास कैसे गवाह है दोस्तों? रावण इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था, सीता को उसने हरण करके लेके आया, लेकिन सीता को रखने के, अपने पास रखने का रिस्क उसने नहीं समझा। उन्होंने रिस्क ले लिया, राम जी से लड़ाई की, और इस सीता के चलते, इस इतने बड़े रिस्क को नहीं समझने के चलते वो मारा गया। उसी तरह से दोस्तों रिस्क को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। युधिष्ठर स्पेकुलेशन किया, वहां पर चौसर जो गेम उन्होंने खेला वहां पर अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाए और अपनी बीवी को भी दाव पे लगा के हार गए। तो रिस्क मैनेजमेंट उनकी जो स्किल्स थी बहुत पुअर स्किल्स थी और उसके चलते इतना बड़ा महाभारत हो गया दोस्तों। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क को समझना दोनों जरूरी होता है। जोक्स अपार्ट, आज हम देखेंगे अपने पोर्टफोलियो हीट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मतलब कि कितने पोजीशंस हमें खुले रखने हैं एक बार में, वो हम देखेंगे। दूसरा पिरामिडिंग देखेंगे और तीसरा देखेंगे कि कैसे अलग अलग मार्केट मोड में, एग्रेसिव मोड में, कंजर्वेटिव मोड में, और हमें कब एग्रेसिव होना है, कब कंजर्वेटिव होना है, और कब हमें मॉडरेट रहना है, और उस समय हमें कितना कैपिटल एलोकेट करना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, लाइक बटन जरूर हिट करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी टेक्निक कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट पुअर है तो आपको अच्छे से अच्छी टेक्निक और अच्छे से अच्छे स्ट्रैटेजी पे भी पैसा नहीं बनेगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का जो काम है वो सबसे जरूरी काम है। ये सबसे बेसी ओवरलुक्ड फंडा है टेक्निकल एनालिसिस में या कोई भी ट्रेडिंग में। तो इसे आप ध्यान से देखिए, इस सीरीज को बांध देखिए, देखिए इसमें थ्योरी बेसी है। हालांकि इसमें थ्योरी बेसी है लेकिन ये थ्योरी के बिना आपकी ट्रेडिंग अधूरी हो जाएगी। आप कभी भी ट्रेडिंग में उस तरह का पैसा नहीं कमा पाओगे जो आप कमाने की सोच रहे हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कैपिटल एलोकेशन की तरफ। और जैसे मैंने आपको कहा कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव तीन तरह के ट्रेडर होते हैं, स्मॉल अकाउंट होते हैं, बड़े अकाउंट होते हैं। तो देखिए स्मॉल अकाउंट के लिए हमारा अलग तरह का कैपिटल मैनेजमेंट होता है, कैपिटल एलोकेशन होता है। बड़े अकाउंट के लिए अलग तरह का कैपिटल एलोकेशन और कैपिटल मैनेजमेंट होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग स्मॉल अकाउंट की भी अलग होती है, लार्ज अमाउंट की भी रिस्क प्रोफाइलिंग अलग होती है। दोस्तों ये जो चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही बंदा आपको बता पाएगा जो प्रैक्टिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है या प्रैक्टिकली खुद ट्रेड करता है। तो ये कोई किताब से उठा के अगर मैं आपको बताऊं तो ना मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा ना आप अच्छी तरह से समझोगे। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम जब बड़े अकाउंट मैनेज करते थे, पहले PMS करते हैं और अभी भी जो बड़े अकाउंट मैनेज करते हैं, तो हमें ये सब पैरामीटर्स यूज करना होता है। ये सब पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, कंसिडर करते हैं और उसके बाद ही हम अकाउंट में पैसा लगाते हैं। तो हमारे जो कैपिटल एलोकेशन होती है, वो कैपिटल प्रोफाइलिंग होती है, वो ऐसे होती है। तो ये आप समझ जाइए तो आपको पता लगेगा कि आप समझ जाओगे कि बड़े बड़े हेज फंड जो हैं, बड़े बड़े इक्विटी फंड जो हैं, वो कभी लॉस में नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो कभी आउट ऑफ बिजनेस नहीं होते, वो कभी आउट ऑफ मार्केट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो देखिए अगर आपका अकाउंट 20 लाख से नीचे का अकाउंट है, छोटा अकाउंट है, तो स्मॉल अकाउंट हम लोग बाइफरकेट करते हैं 20 लाख के नीचे के अकाउंट को स्मॉल अकाउंट। तो 2.5% पर ट्रेड कंजर्वेटिव बंदा लगाएगा, इसका मतलब उसका रिस्क 50,000 रुपए पर ट्रेड में होगा। मॉडरेट बंदा जो है, जिसकी रिस्क प्रोफाइलिंग मॉडरेट है, वो 5% पर ट्रेड रिस्क लेगा, 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस। और जो एग्रेसिव बंदा है,
जो एग्रेसिव है स्मॉल ट्रेडर या स्मॉल अकाउंट वाला, वो 10% रिक्स लेगा पर ट्रेड, यानी कि 2,00,000 रुपए पर ट्रेड उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा। वहीं पर जब हम लार्ज अकाउंट में आते हैं तो पूरी की पूरी जो मैथ है, पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है वो चेंज हो जाता है। लार्ज अकाउंट में कंजर्वेटिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो 1% रिक्स लेते हैं पर ट्रेड, मैक्सिमम वो 50,000 रुपया होता है उनका। मॉडरेट 1.5% यानी कि 75,000 रुपए पर ट्रेड। एग्रेसिव जो होते हैं वो हम लोग 2.5% एलोकेट करते हैं उनके लिए पर ट्रेड, यानी कि 1,25,000। अब आप पूछोगे कि सर ये जो छोटा अकाउंट वाला है ये बेसी रिक्स ले रहा है, बड़ा अकाउंट वाला है पर ट्रेड कम रिक्स ले रहा है, क्योंकि अब हमें इसमें रिटर्न मेजर करना पड़ता है। ये भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि रिटर्न अगर आप मेजर नहीं करोगे तो आप कैसे ट्रेड, आपको क्या फायदा होगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का। तो रिटर्न कम से कम ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छा रिटर्न कम से कम आपको स्टॉक से मिले। तो छोटे अकाउंट में जो हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं ट्रेड लेने की, अब आप समझिए एक लॉट जब हम खरीदते हैं या दो लॉट जब हम खरीदते हैं तो आज के टाइम पे एक लॉट दो लॉट का, एक लॉट का समझिए जो अगर NSE के फ्यूचर्स की बात करो तो ऑलमोस्ट अराउंड वेरीज फ्रॉम 8 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज मार्जिन वेरी करता है। तो अब इस टाइप का अगर मार्जिन वेरी करेगा और हम अगर उसे ठीक से कैपिटल एलोकेट नहीं कर पाएंगे, अगर हम एक या दो लॉट, मिनिमम दो लॉट में तो हमें ट्रेड करना पड़ेगा, मिनिमम 3 लॉट में तो ट्रेड करना पड़ेगा छोटे अकाउंट के लिए, तो अगर हम नहीं ट्रेड कर पाएंगे दो लॉट में तो हम अपनी ट्रेडिंग की पिरामिडिंग कैसे करेंगे, हम प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे। तो ये कारण होता है कि स्मॉल अकाउंट जो होता है उसमें थोड़ा रिस्क हमें बेसी लेना पड़ता है और लार्ज अकाउंट में थोड़ा कम रिस्क लेने से चल जाता है। अभी इक्विटी मॉडल कैलकुलेशन है, देखिए द वैल्यू ऑफ योर इक्विटी इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कैश इन योर अकाउंट लेस द रिस्क अमाउंट एलोकेटेड फॉर ईच ओपन पोजीशन। ध्यान से समझिएगा, आपके अकाउंट में जो पैसा है उससे आप अपने रिस्क को माइनस कर दोगे, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचेगा ट्रेडिंग अकाउंट में वही आप नेक्स्ट ट्रेड में एलोकेट करोगे। कैसे, अभी देखिए एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। इक्विटी इज ओनली एडेड बैक आफ्टर क्लोजिंग अ पोजीशन, यूज दिस मॉडल टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ योर अकाउंट टू रिस्क फॉर ईच पोजीशन। तो देखिए पहला ट्रेड आपने 1% रिस्क लिया तो 20,000 का आपने रिस्क लिया उसमें, फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ 20 लाख, तो 20 लाख का कैपिटल है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। अब आपकी रिमेनिंग इक्विटी कितनी हो गई, 20,000 रुपए मैंने रिस्क जो हम लोगों ने लिया ये पहले ट्रेड को एलोकेट कर दिया था, अब ये 20 लाख में से मैं 20,000 रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरी इक्विटी हुई 19.8 लाख, क्योंकि मैंने 20,000 रुपए इसमें से माइनस कर दिए। अब मैं जब दूसरा ट्रेड लूंगा उसमें भी रिस्क लूंगा 1%, तो उसमें मेरा रिस्क होगा 19,800 का। अब देखिए पहला ट्रेड में मेरा रिस्क था 20,000 रुपए, क्योंकि मेरा एक पोजीशन ओपन है अभी, तो दूसरे पोजीशन को मैं ओपन जब करूंगा तो मेरी इक्विटी कैपिटल घट गई है, ये 20,000 को मैं टोटल कैपिटल में से लेस कर दूंगा तो 19,800 रुपया जो मेरा दूसरे ट्रेड के लिए कैपिटल बचा। अब इस 19,800 को मैं 19,08,000 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल रिमेनिंग इक्विटी कैपिटल है 19,60,200 रुपए के आसपास। तो अब इसमें मैं कितना रिस्क लूंगा, अगर 1% रिस्क लेता हूं तो मेरा मैक्सिमम रिस्क थर्ड ट्रेड में होगा 19,602 रुपए। तो तीन पोजीशन मेरे पास खुले हुए हैं, अगर तीन पोजीशन ओपन है तो पहला पोजीशन में हमारे पास रिस्क है 20,000, दूसरा 19,800, तीसरा 19,602। तो ऐसा नहीं है कि पहले में भी आपने 20,000 का रिस्क ले लिया 1% का, दूसरे में भी 20,000 का रिस्क ले लिया, तीसरे में 20,000 का रिस्क ले लिया, ऐसे नहीं होता है। इक्विटी मॉडल कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ता है दोस्तों। ये चीज जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये आपको कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो आज के जो टीचर्स हैं, आज के जो कोचेज हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो खुद कभी ट्रेड करते ही नहीं है, वो सिर्फ किताब से पढ़ते हैं, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया और आपके साथ शेयर कर देते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो जीरो है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे आदमी को से सीखना एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज हो सकता है आपके लिए, आपको नुकसान लग जाएगा, आपकी कैपिटल बर्बाद हो जाएगी, और छोड़िए आपको पैसे कितना देने पड़ेंगे सीखने के लिए, और आप धोखे दे के भी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जरूरी होता है, इक्विटी मॉडल कैलकुलेशन ऐसे होता है। अब हम आते हैं कैपिटल एलोकेशन ऑन ट्रेड। ठीक है दोस्तों, अब किस ट्रेड में कितना कैपिटल करना एलोकेट करना चाहिए, पहले हम लोगों ने आपको दिखाया था, पहली स्लाइड में आपने देखा कि ये 2.5% 5% और 10%। तो अब किस ट्रेड पे हम 2.5% डाले, किस ट्रेड पे 5% डाले, किस ट्रेड पे 10% डाले,
किस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को पहले देखेंगे, ट्रेडिंग के ऑड्स को देखेंगे। अब देखिए, आपने अगर ट्रेडिंग कहीं से सीख रखी है, आपने ट्रेडिंग कहीं से पहले सीख रखी है, तो आपको यह पता चल गया होगा, या अभी आप मार्केट में कम से कम 4-5 साल से ट्रेड कर रहे हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आपके पास है, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कुछ एक सेटअप जो बहुत अच्छे सेटअप होते हैं जिनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बेसी होती है, कुछ एक सेटअप जो थोड़े ठीक ठाक सेटअप होते हैं जिनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक ही होती है, और कुछ एक सेटअप इतने सुपर्ब होते हैं जिनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कि 80-85% स्ट्राइक रेट वाले सेटअप होंगे, कुछ 60% वाले सेटअप होंगे, कुछ 40% वाले सेटअप होंगे। तो उस आपकी विनिंग ऑर्ड्स के हिसाब से, विनिंग प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से हम उसमें रिक्स एक्सपोजर करेंगे, रिक्स उसी तरह से एक्सपोज करेंगे अपने कैपिटल को, उसी तरह से हम जो अच्छे प्रोबेबिलिटी के ट्रेड है उसमें बेसी रिक्स लेंगे, जो कम प्रोबेबिलिटी के ट्रेड है उसमें कम रिक्स लेंगे। तो उसी हिसाब से अपने रिक्स प्रोफाइलिंग हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए, अगर 50 लाख से आपका बड़ा अकाउंट है, मतलब बड़ा है, तो 1% रिक्स लेंगे आप पर ट्रेड में जो गुड ऑड्स है, मतलब कि जो ठीक ठाक है, समझिए जिसकी स्ट्राइक रेट करीबन 50% के आसपास है, मतलब कि हाफ टाइम वो विनिंग ट्रेड देती है, हाफ टाइम लूजिंग ट्रेड देती है, तो ठीक है, कंजर्वेटिव है, 1% हम इसमें ट्रेड लेंगे। थोड़ा हाई सक्सेस हो गया, मतलब कि 60-40 वाला सेटअप आ गया, कि जो 60 टाइम्स हमें विन सिचुएशन देता है, 40 टाइम्स लूजिंग सिचुएशन देता है, तो वहां पर हम थोड़ी सी अपनी एलोकेशन को बढ़ा देंगे और 1.5% रिस्क लेंगे पर ट्रेड। बेस्ट सेटअप्स अगर हमारे पास आते हैं जिसमें हमें लगता है कि 75% चांस है ये सेटअप की सक्सेस होने की, सक्सेस रेट जो है ये सेटअप का 75% है, वहां पर हम एग्रेसिव हो जाते हैं, वहां पर हम अपना एग्रेसिव प्रोफाइलिंग यूज करेंगे और हम 2.5% रिस्क लेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ट्रेडर का कभी भी एक फिक्स प्रोफाइलिंग नहीं होना चाहिए, मार्केट के हिसाब से उसे कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं है कि भाई मैं तो कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, निफ्टी एक तरफा भाग रहा तब भी मैं 1% लूंगा, साइडवेज जा रहा तब भी 1% लूंगा, या बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा तब भी 1%, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑड्स एंड मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने को बदलना पड़ेगा, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने को अपनी ऑड्स को चेंज करके उसी हिसाब से अपने को रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर आपका 20 लाख का अकाउंट है तो गुड ट्रेड जो 50-50 चांस वाले हैं उस पर हम 2.5% रिस्क लेंगे, गुड अच्छे ट्रेड्स, मॉडरेट ट्रेड जिसमें 60% विनिंग चांसेस है उसमें 5% रिस्क लेंगे, और जो बेस्ट ट्रेड्स है, बेस्ट ऑड्स है, 75% है हाई स्ट्राइक रेट वाले ट्रेड्स, उसमें हम 10% रिक्स लेंगे। तो ऐसे हमारी रिक्स प्रोफाइलिंग या कैपिटल एलोकेशन होता है, ये इस बात को ध्यान रखिए, ठीक से समझिए इस चीज को, ठीक से पढ़िए, बार बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग करते समय इसे एक एक करके इंप्लीमेंट करना शुरू करिए, आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग में रात दिन का डिफरेंस आ गया, रात दिन का फर्क आ गया, सिर्फ और सिर्फ रिक्स मैनेजमेंट के चलते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, तो अगर एक 20 लाख का अकाउंट है तो अपने पास ऑड गुड ऑड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि 50-50 ऑड हो रहे हैं, तो उसमें रिक्स होगा 50,000 का। मॉडरेट हाई ऑड्स, जहां पर समझिए 60% चांसेस है विनिंग की, 40% चांसेस है लूजिंग की, वहां पर 2.5% ऑफ 20 लाख रुपया लेंगे तो 1 लाख का मैक्सिमम रिस्क होगा। और एग्रेसिव बेट्स जिसे हम बोलते हैं, जहां पर बेस्ट ऑड्स है, ऐसे ऑड्स जो ट्रेडिंग में बहुत अच्छे रिटर्न दे, मोर देन 75% रिटर्न जहां मिले, वहां पर 10% जैसे मैंने आपको कहा, वहां पर हम रिक्स ले सकते हैं अपने कैपिटल का, 2 लाख रुपए एक पर ट्रेड रिक्स होगा। तो याद रखिएगा ये ऑड्स, तो सबसे पहले आपका काम होगा, अगर अभी तक आपने अपने सेटअप्स को और अपने स्ट्रैटेजीज को ग्रेड नहीं किया है तो जाके उन्हें ग्रेड करना शुरू करिए कि ये गुड है, गुड गुड सेटअप है, ये हाई ऑड सेटअप है और ये बेस्ट सेटअप है। तो ऐसे ग्रेडिंग कर दीजिए। ग्रेडिंग कैसे करेंगे, सेटअप को बैक टेस्ट करिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो पहले से तो आपको पता है कि कौन सा आपके लिए गुड सेटअप है, कौन सा अच्छा सेटअप है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट में आपको बेस्ट सेटअप ही मिल जाए, हर बार आपको मार्केट में गुड सेटअप ही मिल जाए। मार्केट देखिए बहुत इरेटिक चलता है, यहाँ पर सेटअप जरूर मिलते हैं लेकिन हर बार बेस्ट और हर बार गुड नहीं मिल सकते। तो उस हिसाब से अपनी आप ट्रेडिंग को ग्रेड कर दीजिए। अब एक और सवाल और एक और जो प्रॉब्लम आती है हमारे पास, जो होती है एलोकेशन ऑफ कैपिटल। अक्सर जब भी मैं कहीं पर सेमिनार लेता हूं या कहीं पर भी सेशन लेता हूं तो वहां पर मुझे लोग पूछते हैं कि सर क्या हम एक बार में पूरे ट्रेड में घुस जाए,
कि हम उसे तोड़ के घुसे, क्या हम एक बार में पूरे ट्रेड से निकल जाए कि उसमें कैसे निकले। तो इसमें हम लोग पिरामिडिंग करते हैं, ट्रेड एलोकेशन इसे बोलता है। देखिए आप कैसे करेंगे, कोई अच्छा ट्रेड या कोई भी सेटअप हमें मिला तो हम पहले अपने टोटल जो रिस्क है, समझिए 3 लॉट हमें एंट्री लेना है, तो अगर 3 लॉट में हमें एंट्री लेना है तो पहले हम अपनी 33% यानी कि 1/3 लॉट से इनिशियल एंट्री करेंगे। हमने अपनी 1/3 पोजीशन में इनिशियल एंट्री किया और देखा कि ट्रेड अपने डायरेक्शन में चल गया या ट्रेड अपने फेवर में चल गया, तो हम उसमें और एक लॉट एंटर कर जाएंगे। और एक लॉट एंटर करने के बाद हमें लगा कि अभी भी ट्रेड अपने डायरेक्शन में पूरा अच्छी तरह से चल रहा है, तब हम अपना 3रा लॉट भी खरीद लेंगे। तो ऐसे एलोकेशन होता है। अब देखिए इसमें फायदा क्या होता है, तो समझिए एक बहुत, जैसे कि बेस्ट ऑर्ड, मैंने आपको कहा बेस्ट ऑर्ड वाले ट्रेड जिसमें आप अपना हाईएस्ट कैपिटल एलोकेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये बेस्ट ऑर्ड वाला ट्रेड है, ये बेस्ट ऑर्ड वाला ट्रेड आपको मिला, आपने इसमें 2 लाख रुपए रिस्क लिए और हाईएस्ट कैपिटल इसमें आपने लगा दिया। अब ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाके आपको स्टॉप आउट कर देता है, तो एक बार में आपका 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। इस मेथड को फॉलो करने से क्या होगा कि आप पहले 33% रिस्क ले रहे हैं 2 लाख की, ओके। सो आप अभी अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 33%, मतलब कि 2 लाख का सिर्फ 33% रिस्क लिए हैं और 2 लाख के 33% यानी कि 66,000 रुपए आपने रिस्क लिया और अभी आप 66,000 रुपए के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं। अगर वो आपका बेस्ट ऑड ट्रेड या जो आपका बेस्ट सेटअप है वो फेल हो जाएगा या किसी कारण से नहीं चलता है तो आपको लॉस कितना होगा, 2 लाख का लॉस नहीं होगा, आपको 33% यानी कि 66,000 रुपया का ही लॉस होगा, बेसिक का लॉस नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, आपका कैपिटल सबसे पहले बचा लिया, क्योंकि अगर हो सकता है हर एक बार अगर 75% विनिंग चांस है तो 25% लूजिंग चांस भी है सर, ठीक है। तो उन 25% लूजिंग चांस के लिए ये मेथड जो है पिरामिडिंग के आपको बचा लेता है। अगर अपने एंट्री लेने के बाद अपना ट्रेड चल पड़ता है तो फिर अपने 50% रिस्क लेंगे, उसके बाद भी ट्रेड चल पड़ता है तो अपने 100% रिस्क लेंगे। तो अगर थोड़ा सा पहले हल्का सा, जैसे हम बोलते हैं ना, वी हैव टू टेस्ट द वाटर फर्स्ट, ठीक है, नहाने से पहले पानी अगर गर्म होता है तो बल्टी में हम अपना हाथ डाल के देखते हैं कि भाई पानी कितना गर्म है और उसके हिसाब से फिर अपने नहाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि गर्म पानी उठा के पूरा शरीर पर डाल लेते हैं उसके बाद, नहीं, तो पहले हाथ डाल के देख रहे हैं पानी में कि पानी कितना गर्म है और अपने को अगर सूट कर रहा है तो अपने उसी हिसाब से उसे चेंज करेंगे। तो वही चीज होता है, पिरामिडिंग इसी तरह से होती है। सिंपल तरीका है, इसमें कोई एल्गो नहीं चाहिए, कोई भी बड़ा एक्सेल वर्कशीट नहीं चाहिए कि इधर मारा उधर फिगर चेंज हुआ, उधर मारा उधर फिगर चेंज हुआ, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल रखिए ट्रेडिंग को, जितनी सिंपल रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, लेकिन बहुत सिंपल भी मत बनाइएगा। क्या होते हैं कि लोग बोलते हैं सिंपल ट्रेडिंग सेटअप, सिंपल ट्रेडिंग सेटअप, सिंपल करके बेच देते हैं और उसमें पैसा नहीं बनता है, तो बहुत सिंपल भी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट से मैं आपको कंसेप्ट अभी आपके साथ शेयर करूंगा, वो है पोर्टफोलियो हीट। अब देखिए मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पूरे रिस्क मैनेजमेंट में, और मैं आपको पक्का बताता हूं कि ये जो पोर्टफोलियो हीट वाला सीन है ये आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा, और आज तक अगर आपको कहीं पर भी आप ट्रेडिंग सीख रहे होंगे या सीखे होंगे तो ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये देखिए, ये है द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एट रिस्क फॉर अ पोर्टफोलियो विच इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ रिस्क फॉर ईच ओपन पोजीशन। इसका मतलब कि एक बार में आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4, 5, 6, 7, 10 ओपन पोजीशन रखनी चाहिए, 3 ओपन पोजीशन रखनी चाहिए, 4 ओपन पोजीशन रखनी चाहिए, कितनी पोजीशन ओपन पोजीशन रखनी चाहिए। तो बहुत जन बोलेंगे भाई 2 ठो रखो क्योंकि उसे मेंटेन कर पाओगे, बहुत जन बोलेंगे 3 से बेसी मत रखो, बहुत जन बोलेंगे 4 से बेसी मत रखो। भैया इसके पीछे कोई रैशनल तो दो मुझे, क्यों मैं 2 से बेसी नहीं रखूं, क्यों मैं 3 से बेसी नहीं रखूं। तो इसके पीछे हम एक मैथमेटिक्स देखेंगे। अच्छा समझिए कि आपने उनके कहने पे 4 पोजीशन 5 पोजीशन ओपन भी रख ली और कोई भी फ्लैश क्रैश हुआ या प्राइस शॉक आया। फ्लैश क्रैश क्या होता है, अचानक में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है, उसके बाद हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन एक बार जब वो नीचे गिरेगा तो आपके सारे स्टॉप्स को ट्रिगर कर देगा एक बार में और आपको लगेगा नुकसान। बहुत बार प्राइस शॉक्स,
रिजल्ट्स के समय प्राइस शॉक होते हैं, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो उस समय हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें कि मैक्सिमम जो पोजीशन हम ओपन करके रखेंगे कितना रिस्क हमें लेना चाहिए, मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, कितना लॉस होगा, ये हमें इसमें हेल्प करेगा। अच्छा देखिए, जो अनलिमिटेड लॉस कैपेसिटी वाले जो चीज है, जहां जैसे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं जिसमें अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं, ये सब में अनलिमिटेड लॉसेस होने के चांसेस हैं, उन चीज में जो सबसे बेसिक जरूरी होता है वो होता है पोर्टफोलियो हीट। पोर्टफोलियो हीट को उन चीजों में सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए। तो पोर्टफोलियो हीट कैसे करते हैं, मैक्सिमम हीट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट साइज। तो जिसका 20 लाख या 20 लाख से कम कैपिटल है वो एक बार में अपने अकाउंट के 20-30% से बेसी रिस्क नहीं लेगा। मतलब कि अगर आपके पास 20 लाख का कैपिटल है तो आप एट ए टाइम 65,000 रुपए से बेसी का रिस्क नहीं लेंगे पर ट्रेड, ठीक है। तो वैसे ही 50 लाख का अगर आपका अकाउंट है तो आप उसमें 10-15% एज पर रिस्क प्रोफाइल जो है ट्रेडिंग के है उससे बेसी आप मैक्सिमम पोजीशन ओपन नहीं करोगे। इसका मतलब कि एनी वर्स्ट केस अगर कुछ भी होता है तो उसमें आपको बेसी लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम पोर्टफोलियो हिट जहां 20% का है, समझिए 20% का मैक्सिमम पोर्टफोलियो हिट है, तो आपका 4 लाख रुपए तक का ही पोजीशन ओपन होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपका 20 लाख का अकाउंट है, ठीक है, तो आपको प्राइस शॉक में, इन एन इवेंट ऑफ प्राइस शॉक, आपको 4 लाख से बेसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपको 2.5% जो कंजर्वेटिव मॉडल है, 2.5% और 20 लाख रुपए आप लगाएंगे तो पर ट्रेड में आपको कितने रुपए लगेंगे? पर ट्रेड में 50,000 का रिस्क होगा। टोटल पोर्टफोलियो हिट आपका 20% है, 20% ऑफ 20 लाख, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशन आप खुला रखोगे वो है 4 लाख बाय 50,000, इसका मतलब 8 पोजीशन। तो 8 पोजीशन से ज्यादा आप एक बार में खुला नहीं रखोगे। मैं वापस रिपीट करता हूं कि 20 लाख रुपए जिसका अकाउंट है या 20 लाख से कम का अकाउंट है उसका मैक्सिमम पोर्टफोलियो हीट जो होता है वो 20-30% का होना चाहिए। 50 लाख से ऊपर वाले बंदों का जो अकाउंट है उनका मैक्सिमम पोर्टफोलियो हीट 10-15% का होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि इन एन इवेंट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस, फ्लैश क्रैश हुआ या कोई मार्केट क्रैश हुआ, तो आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% ही खोओगे। और वही अगर बड़े अकाउंट है तो आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही खोओगे। तो अब आपको पता लगा कि हम लोग बड़े अकाउंट में बेसिक कंजर्वेटिव क्यों होते हैं। इस कारण से होते हैं क्योंकि अगर बेसिक बड़ा पोजिशन खुला रखा तो फ्लैश क्रैश जब होता है या क्रैश होता है उस समय बड़े अकाउंट को बड़ा नुकसान नहीं हो, इसीलिए हम उसे कंजर्वेटिव रखते हैं। तो मैक्सिमम पोर्टफोलियो के 20 लाख, तो अगर अगर आपका 20 लाख का अकाउंट है तो मैक्सिमम रिस्क आप कितना लोगे? 20% लोगे, इसका मतलब 4 लाख रुपए लोगे। मतलब 4 लाख से बेसी पोजिशन, ऐसा अगर आपको ऐसा है कि अगर आपके सारे पोजीशन स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आपको 4 लाख से बेसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ट्रेड एलोकेशन मॉडल है 2.5% ऑफ 20 लाख या 50,000, ठीक है। तो इसका मतलब कि 4 लाख का टोटल रिस्क, पर ट्रेड 50,000 और 8 पोजीशन से बेसी पोजीशन नहीं खुलेंगे। अब 50 लाख के अकाउंट पे आते हैं, मैक्स पोर्टफोलियो हीट हम लेते हैं 10% का, इसका मतलब 5 लाख। ये होता है कि अगर 50 लाख के अकाउंट में हमारा सारा पोजीशन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें 5 लाख से बेसी का नुकसान नहीं होता है। तो 1% ऑफ 50 लाख मतलब 50,000 रुपए पर ट्रेड रिस्क हमारा है, तो हम इसमें 10 पोजीशन से बेसी खुला नहीं रखेंगे। एनी सर्कमस्टेंस 10 पोजीशन से बेसी खुला नहीं होगा हमारा। तो अगर हमारे 10 पोजीशन स्टॉप लॉस खा जाते हैं किसी इवेंट में, कोई भी बड़े इवेंट में या कोई भी वजह से, तो हमें जो नुकसान होगा मैक्सिमम वो 5 लाख का ही होगा, हमारा पूरा अकाउंट ब्लो नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पोजीशन खुला रखते हैं, स्टॉक क्रैश कर जाता है, हमारे पूरी की पूरी अकाउंट ब्लो हो जाती है, क्योंकि हमें अपने पोर्टफोलियो हीट को मैनेज करना नहीं आता है, हमें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना नहीं आता है, हमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों इस सीरीज के तीनों वीडियो को या चारों वीडियो को आप बार बार देखें, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको ट्रेडिंग में एक स्टेप अहेड ले जाएगी।
कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सिस्टम आपको बिना रिस्क मैनेजमेंट के कभी भी पैसा नहीं बना के देगा, हमेशा अधूरा रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों, ये एकदम सिंपलेस्ट और बहुत इफेक्टिव मेथड है। बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े रिस्क मैनेजर, बड़े बड़े ट्रेड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स यही मेथड को यूज करते हैं और इसी बेसिस पे हम काम करते हैं। तो आप इस मेथड को वापस देखें। ये तो दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये एक तरह से इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। मैं आपको लिखित देता हूँ इस चीज़ को। तो जल्दी से दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर हिट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी सब जगह शेयर कर डालें, कमेंट पे अपने सुझाव लिख के बताएं। और हमेशा याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, नीचे लगे लाल बटन पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है। ये जो कुछ थ्योरी मैंने आपको समझाई है या थ्योरी आपके साथ शेयर करी है, इसे जाके ट्राई करिए। एकदम टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर, हेज फंड मैनेजर इसी को यूज करते हैं, हम रात दिन इसी को यूज करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्गो नहीं है, कोई भी बड़ा स्प्रेडशीट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करने का कोई भी बड़ा फॉर्मूला नहीं है। यही एक फॉर्मूला है, रिस्क समझना और उसे मैनेज करना। अगर ये आपको आ गया तो आपकी ट्रेडिंग में एक मल्टी फोल्ड जंप आएगा और आप देखोगे किस तरह से आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। कैपिटल अपने पास रहेगा तो अपने पास कॉन्फिडेंस रहेगा, और कॉन्फिडेंस अगर अपने पास रहेगा तो अपनी ट्रेडिंग हमेशा थम्स अप और नंबर वन रहेगी। दोस्तों जरूर इस सीरीज को बार बार देखें और कोशिश करें रिस्क को समझने की, उसे मैनेज करने की। अगर आपको हमारा ये मटेरियल पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ये तीनों करें और ज्यादा लोगों तक पता नहीं कुछ करें। जब तक कि मैं भरत चुनने वाला आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक आऊंगा कुछ नए सेशंस के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जय हिंद, एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर।